आपके साथ अनु और आप देख रहे हैं जी टीवी न्यूज चैनल। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की ओर। उमरिया पुलिस अधीक्षक निवेदिता नायडू के निर्देशन में पुलिस टीम ने अपराध दर्ज करते हुए महिला हत्याकांड के 3 आरोपियों में 2 आरोपियों को गिरफ्तार करके पुलिस अभिरक्षा में लिया गया है एवं यह पूरा मामला इंदवार थाना क्षेत्र का है, जहां विगत दिनों 15 दिसंबर को असोड़ कुरबाबा के पास मिले युवती के शव। मामले का पुलिस ने पर्दाफाश करते हुए 3 आरोपियों पर हत्या सहित अन्य धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार करके पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई है एवं तीसरे आरोपी की तलाश पुलिस टीम द्वारा जारी है और गिरफ्तार आरोपियों में एक कथित डॉक्टर भी शामिल है, जिस पर अवैध रूप से गर्भपात करके हत्या करते हुए साक्ष्य छिपाने का आरोप लगाया गया है एवं अवैध रूप से गर्भपात मामले में 3 आरोपियों पर मुकदमा कर लिया गया है और अब तक 3 आरोपियों पर हत्या सहित अन्य धाराओं के तहत अपराध कायम किया गया है। साथ ही आरोपियों से पुलिस के द्वारा पूछताछ की जा रही है। पीसी उमरिया से शंकर सिंह की खास रिपोर्ट। ग्राम असोड़ इंदवार थाना अंतर्गत एक महिला की संदिग्ध हालत में लाश मिली थी, जहां पर पुलिस को अभी 3 मुलजिम इसमें बनाए गए हैं, जिसमें से 2 को पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है, एक अभी फरार है। क्योंकि अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि है, पुलिस प्रशासन से यह मांग करते हैं कि तीसरे आरोपी को भी तत्परता से पकड़ा जाए व माननीय न्यायालय। मैं आ रही हूँ उमरिया जिला के असोड़ गांव में, एक संदिग्ध परिस्थितियों में एक डेड बॉडी मिली थी महिला की, जिसमें पुलिस ने बड़ी तत्परता से कार्रवाई करी, उसकी जांच वगैरह करवाई तो उसमें ये पता चला कि अवैध रूप से गर्भपात हुआ है, जिससे कि उसकी हत्या हुई और इस हत्या के आरोपी के रूप में 2 आरोपियों को पुलिस ने बड़ी तत्परता के साथ में गिरफ्तार किया, जिसमें एक आरोपी रजनीश है और एक वो डॉक्टर है जिसने गर्भपात कराया, डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव, और उसी में एक तीसरा आरोपी भी है जिसकी पहचान पुलिस को हो गई लेकिन अभी वो गिरफ्तार नहीं हो पाया है। पुलिस ने बड़ी तत्परता के साथ में इन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। निश्चित रूप से समाज की इस बुराई को ख़त्म करने में पुलिस ने जो तत्परता के साथ कार्रवाई की है, इससे बहुत अच्छा मैसेज समाज में जाएगा और समस्त लोगों में ये शिक्षा भी मिलेगी, डॉक्टरों में और सारे लोगों में, कि अवैध गर्भपात नहीं कराना चाहिए, जिसके लिए पुलिस विभाग निश्चित रूप से साधुवाद की। इंदवार थाना अंतर्गत असोड़ गाँव में एक महिला की निर्मम हत्या 3 लोगों के द्वारा कर दी गई थी, जिसमें पुलिस ने तत्कालीन तत्परता दिखाते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन एक आरोपी अभी भी पुलिस के गिरफ्त से बाहर है। मेरा आपके चैनल के माध्यम से ये मांग है कि महिलाओं पर जो अत्याचार दिन प्रतिदिन होता जा रहा है, महिलाओं से संबंधित उनके संरक्षण के लिए बहुत सारे कानून बने हुए हैं और उमरिया जिले में बहुत सारी शाखाएं सिर्फ महिलाओं से संबंधित चल रही हैं, तो ये इन उमरिया जिले की अन्य जो शाखाएं हैं, चाहे वो महिला परामर्श केंद्र महिला डेस्क हो या महिला बाल विकास अधिकारी हो, जो भी महिला से संबंधित यहाँ पर एनजीओ चल रहे हों, उनको तत्परता से इस पर पुलिस की भी सहयोग करना चाहिए और जो आरोपी अभी गिरफ्त से बाहर हैं उसे भी तत्काल गिरफ्त में ला करके सलाखों के पीछे रखें और उस मृतक महिला को न्याय मिले, उसके साथ किसी प्रकार की और उसके परिवार से अब कोई अप्रिय घटना न घटे। ये 15 दिसंबर में ग्राम असोड़ के कुर बाबा के पास एक महिला का शव मिला था, जो कि बहुत ही संदिग्ध स्थिति में था और उस समय उसकी पहचान भी नहीं हो पाई थी। बाद में फिर इसकी पहचान भी हुई और पुलिस ने तत्परता से इसमें कार्रवाई की। पीएम रिपोर्ट प्राप्त होने पर और आसपास पूछताछ कड़ी पूछताछ के बाद अभी इसका कल इसमें खुलासा हुआ है कि इस महिला को आरोपीगण अवैध तरीके से गर्भपात करने के लिए ले गए थे और एक डॉक्टर के साथ मिलके ये घटना हुई है, अवैध गर्भपात हुआ है और हत्या हुई है। इसमें 3 आरोपी हैं, जिसमें से जो मुख्य आरोपी है रजनीश लोनी ग्राम खलौंद और दूसरा आरोपी है डॉक्टर सुग्रीव श्रीवास्तव बहरीबंद और तीसरा व्यक्ति उस बोलेरो का चालक है, जिस बोलेरो से ये शव को यहाँ कुर बाबा के पास फेंक के लोग गए थे। तो इसमें से 2 आरोपियों की को अभी पुलिस ने अभिरक्षा में ले लिया है और कल इनको माननीय न्यायालय प्रस्तुत कर दिया जाएगा।